लोगों का घर अब अच्छा लग रहा है। यहाँ किनारे साइड से गाड़ी रखने के लिए अलग सा बना दिया ना। मैं लेने गई थी मम्मी को और मेरे साथ आ गए इतने सारे ये। तो इनके कपड़े 9-10 हजार के तो हैं ही, 5 हजार तक की तो मेरी भी दो गर्म सूट बननी चाहिए। अब देख, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मेरा नहाना धोना हो गया है। आज सुबह का झाड़ू और खाने का काम, जो भी सारे सुबह के काम होते थे जो मैं कल तक कर लेती थी 11 बजे तक, वो कुछ भी नहीं हुए हैं क्योंकि सुबह से ही, वैसे तो कल तक भी मेरे आँख में दर्द था लेकिन आज मेरे आँख में कुछ ज़्यादा दर्द है ये वाली आँख में। तो परसों जिस दिन हमने गहत की दाल साफ़ करी थी तो उसका थोड़ा बहुत वो कूड़ा ना वो मेरे आँख में घुस गया था। इतनी ज़्यादा दर्द है कि आँख नहीं खुल रही है। अभी भी मैंने कुछ बहुत सब चीज़ें इसमें डाल ली हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है दर्द। और नहाने के बाद थोड़ा अभी फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है, नहीं तो उससे पहले तक तो मेरे को उठने का भी मन नहीं था। और आज वेदू और वेदू के पापा और वेदू के चाचा गए हुए हैं हल्द्वानी, मैं और सलोनी हैं घर में। तो नीचे से फ़ोन आया है हमें रामगढ़ से कि शायद यहाँ बधाई लेने वाली दीदी लोग आने वाले हैं। देखते हैं अगर आएंगे तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और आज अकेले हूँ, आज ही वो लोग आ भी रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल देखो मैंने ये सब में ये बिस्तर बिस्तर सब उठा के वहाँ पर रख रखा है, सब तह करना है। मुझे तो ताकत ही नहीं आ रही है यार। मैं सोचती हूँ सुबह से ही मैं सारे काम कर लूँगी करके, लेकिन करते वक्त फिर लास्ट में होता ही नहीं है। और देहलियाँ भी लिखनी है मैंने, देखते हैं क्या क्या काम हो सकता है। अभी दीदी लोग आते हैं तो बधाई लेने वाली, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। दोस्तों दिन में दीदी लोगों का वेट कर रही थी कि वो लोग आएंगे बधाई लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बोला था कि वो हमारे यहाँ भी आने वाले हैं करके। लेकिन सुयाल फैमिली में दो लड़के हुए हैं तो नीचे जहाँ चाची के यहाँ चाची का पोता हुआ है उनके वहाँ आए थे वो, और उनको मैंने कॉल करा था तो चाची लोगों को तो लूट के चले गए। वहाँ से ले गए हैं वो 21 हजार रुपये। और अब है हमारे यहाँ की बारी, तो चाची को मैंने बोला था कि आप बोल देना उनको हमारे घर में कोई नहीं है, मतलब ना वेदू के पापा थे ना चाचा थे, तो ऐसा बोला होगा चाची ने और वो नहीं आए। वो बोल रही थी फिर आऊँगी करके, तो हमारे यहाँ की बारी भी होगी अब एक दिन ऐसे ही। जिस दिन आएंगे मेरे वहाँ तो मैं उस दिन दिखाऊँगी ज़रूर। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ तैयार होके नीचे रामगढ़ की तरफ को। सुबह के टाइम पे जैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तब मैंने कुछ भी ऐसे काम नहीं करे थे, फिर सारे के सारे काम वगैरह कर लिए, कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं। नीचे पानी वानी डाला क्योंकि हमने दाल साफ़ करी थी ना, तो पूरा वहाँ कचड़ा हो रखा था दाल का, पूरा वो क्या बोलते हैं उसको घास जैसा सब गिर रखा था ना, तो बच्चों के कपड़े में भी चिपक जाता है, इसलिए सब पानी वानी डाला वहाँ। अभी फ्री हो गई हूँ और फ्री होके मैं जा रही हूँ नीचे वहीं मोटी वाली चाची के घर में जहाँ कल को नामकरण है, वहाँ थोड़ी देर रहूँगी। क्योंकि सुबह मैंने बात करी थी चाची ने तब कह रही थी कि आएगी नीचे शाम को, तो तू आना करके। मैंने बोला ठीक है अभी वहाँ चलते हैं, फिर शाम को मेरी मम्मी भी आने वाली है उनको भी लेके आएंगे। ये मैडम भी चल रही है मेरे साथ, कहाँ गई ये मैडम जी। और आज मैंने ये जैकेट स्टार्ट कर ली है फिर से पहननी, इसको पहनने लग गई हूँ क्योंकि ठंडा होने लग गया बहुत ज़्यादा। और बहुत गप्पे मार ली हैं नीचे जाके मिलेंगे रामगढ़ जाके। और वेदू की चाची और वेदू का भैया तो नीचे कमरे में है, भैया तो सोया है, चाची फोन में लगी होगी पक्का, क्या कर सकती है बेचारी। और ये देखो हमारे यहाँ यहाँ पर मैंने सब धोया था, देखो साफ लग रहे ना। और फ्लावर देखो हमारे फ्लावर क्यूट है ना गाइस, ये देखो गाइस यहाँ सब धोया था, ये सब पानी डाल के धोया था। अब चलते हैं चाची को बाई के देते हैं एक बार, रुजा वो देखते हो मेरा खाना खाना। हाँ मैं नहीं खाऊंगा आपका खाना। आप यहाँ जा रहे हो? हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये आपका कमरा है? हाँ, मेरा चाची का कमरा है वो, चाची का कमरा है। हम चाची लोगों के यहाँ से तो आ गए हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठे और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को लेने के लिए। मम्मी का फोन आ गया था कि मैं पहुँचने वाली हूँ करके, तो मैं पहुंच गई हूँ तारू लोगों के घर के यहाँ पे, चौराहे पे पहुंचने वाली हूँ। लेके आते हैं नानी को, फिर लेना है सामान। और हमारी दुकान तो बंद है आज। चलो तो लोगों का घर अब अच्छा लग रहा है, यहाँ किनारे साइड से गाड़ी रखने के लिए अलग सा बना दिया ना, तो मस्त लग रहा है अब ना वेदू। ये देखो निक्कू ने फूल लगाए हैं प्यारे प्यारे। और एक मैडम जी हैं, अपने नेल पेंट दिखाओ जल्दी। ये वहाँ चाची की नेल पेंट लगाने में लगी थी, ये आ जा उनको प्रणाम करना है बबू को,
वो को जगह ना प्रणाम तो कहते उनको मम्मी को देख लिया उसने आते हुए ना खुशी देखो इसकी वो देख वो एक्टिंग करने लग गई एक्टिंग दुकान बंद है आज दुकान बंद है प्रणाम प्रणाम कौन करेगा दोनों बैठिए गरी चाची चलो जाओ जाओ वो देखो पूछ नहीं रही हो चल रही नीचे को मम्मी को लेके तो मैं आ गई हूँ दुकान में और अभी मैं नीचे गई थी चूहे मारने वाली दवा लेने के लिए चाची ने मंगाई थी मम्मी को चाय का अमल लगा हुआ है चाय वाय पिलाऊंगी क्योंकि यहाँ मुझे सामान नहीं है ना अदरक उदरक नहीं है तो मैं सोच रही हूँ घर जाके ही मैं बनाऊँ करके घर चलते हैं घर जाके ही सब कुछ होगा वहाँ भी तो मोटी चाची कहाँ जाके चावल खा के ऐसा खाया ही नहीं है कब से कुछ मैं लेने गई थी मम्मी को और मेरे साथ आ गए इतने सारे ये हल्द्वानी से आए हैं बेचारों की हालत खराब हो गई उल्टी कर करके ये देखो हाँ सुबह गए थे 5 बजने वाले हैं और अभी हम पहुंच रहे हैं घर ये रहे विधु और विधु की नानी चाची तो बोर हो गई होगी बाबा इसको यहाँ ला इसको मेरे हाथ में पकड़े रहूंगी ना मैं वेदू दिखा रही नानी को नानी नानू भैया है बोले यहाँ छोटी चाची आई होगी छोटी चाची आई होगी ना अच्छा ईजा आई थी ईजा घर में थी तो घर आने के बाद मम्मी के लिए चाय बनाई और मैगी बना दी थी थोड़ा सा मम्मी वैसे ज्यादा मैगी अच्छा नहीं मानती है लेकिन मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो मम्मी ने अभी मैगी खाई और मैंने भी चाय पी ली थोड़ा सा मैगी मैंने भी खा ली फिलहाल मम्मी ने ये सारा सामान निकाल दिया है जो मम्मी लेके आई है वहाँ से मैंने मम्मी को मिठाई लाने से मना करा था इसमें मम्मी पुए बना के लाई है जो हमेशा आते हैं मेरे लिए और इसमें होगी हमारी दुकान की जलेबी मैंने मिठाई तो मना करी थी लेकिन जलेबी पूरा डिब्बा भर के आई है और इसमें ये है और इसमें भाव के लिए कपड़े हैं मैं कपड़े देखती हूँ कैसे हैं करके इसमें अदरक है पुरानी वाली अदरक है ये चाय के लिए अदरक मेरी दीदी ने भेज रखी है तो उसने अपने ससुराल से मंगाई होगी ना तो उसने मेरे लिए भेज रखी है ये और मम्मी बोल रही थी मैं जो सामान ले मतलब एक कट्टा मैं दुकान में ही रख के आई हूँ क्योंकि मेरे बस की तो थी नहीं वो लाना पिनालू थी उसमें चावल थे अदरक भी थी मम्मी के घर से लाई हुई और अमरूद वगैरह तो मैंने बोला इसको दुकान में रख जाते हैं फिर उसके बाद जब इसके पापा आएंगे वो खुद लेके आएंगे 2 मिनट मैंने दुकान खोली ना वहाँ मेरे को मतलब दुकान खोलते ही भीड़ बढ़ गई वहाँ पे थोड़ा 2-4 जो गांव के दीदी लोग मेरे साथ आए थे वो उन लोगों ने सामान लिया तो बहुत देर हो गई थी वहीं पे फिर हम सब लोग साथ में ही आए घर को अभी फिलहाल रात का खाना बनाने का टाइम हो गया है रात भी हो गई है दिख ही रहा होगा आपको खिड़की से तो करती हूँ रात के खाने की तैयारी सलोनी के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा वो लोग तो 9-10 बजे तक आएंगे शायद और फिर मिलती हूँ आप लोगों से बहू के लिए लेके आई है सेम टू सेम वेदू की जैसी टोपी जब वेदू हुई थी तो वेदू के लिए भी ऐसी वाली टोपी आई थी और ये उसके लिए कपड़े हैं इनको अभी पैक कर देती हूँ और मैं चलती हूँ अब खाना बनाने के लिए दोस्तों हम लोगों का रात का खाना हो गया है मैंने और मम्मी ने खा लिया है आज जो है मेरी पौनी भी आई हुई है
हम लोगों को उनके आने का नहीं पता था, वो 6:30-7 बजे के करीब शायद आई होंगी, मेरे को टाइम का तो नहीं पता, बट वो नीचे से गर्म पानी से एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैची धाम से होते हुए गाड़ी आती है ना हमारे वहाँ वाली, देर में ही आती है वो, सबसे लास्ट वाली गाड़ी है, तो उसमें आई। और उनके आने का किसी को भी नहीं पता था, उनके भाइयों को तो नहीं पता है अभी भी। वो लोग पहुँच चुके हैं रामगढ़ और रात के बज चुके हैं आपका 10। तो मम्मी और मैंने खा लिया था, क्योंकि मम्मी लोग तो कब का सो भी जाते हैं, हमारे यहाँ 8 बजे खाना खा के सो जाते हैं, मम्मी लोगों को आदत भी नहीं है इतनी देर तक उठे रहने की, अब उसको मजबूरी है उठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कमरे ज़्यादा है नहीं, या तो मैं मम्मी को कहीं और सुला देती, लेकिन यहाँ कमरे ज़्यादा है नहीं, तो अभी किचन में खाना वाना गर्म करके उनको खाना वाना देंगे, तो फिर मम्मी की नींद वैसे भी खुलनी है, बगल में ही कमरा है। और अब यही है, मम्मी अंदर है, खाना वाना खाने के बाद बैठ रखी है, मैंने बोला थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे, फिर उन लोगों से मिलेगी, और रोका है मैंने मम्मी को कल के दिन यहीं रुकेगी करके, कल को मोटी चाची यहाँ निमंत्रण में भी जाना है हम लोगों ने, और मम्मी को भी ले जाऊंगी वहीं, और क्या, और अभी फिलहाल इतना ही, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मेरे आया है ये वाला गिफ्ट, मैंने इनसे मंगाई थी जैकेट, ये लेके आ गए, पूरा ड्रेस इसके अंदर से ये अलग है, और ये बाहर की हुडी टाइप की अलग है, ये इसका पैजामा है, इसमें राक्षस बना हुआ है देखो, और ये गरम कपड़े मतलब गरम इनर वगैरह मंगाई थी मैंने, तो ये भी बहुत प्यारी है, 2 जोड़े आए हैं ये, ओ सॉरी, ये इसका कलर अच्छा है, वेदू के में मैच करेगा, अच्छा अच्छा लगेगा, ये ब्लैक है ना, ब्लैक है ये वाला भी, और ये थोड़ा ग्रे ग्रे टाइप का है। तो कल ये महाराज लेके आए हैं अपने लिए ये कपड़े, कितने कमीज है ये, 3 या 4, 2 तो पैंट दिख रही है मुझे, ये जैकेट है, जैकेट का कलर तो सही है, और ये सब कुछ नया लेके आए हैं, मुझे इनके पैसे बता देना, उसी हिसाब से मैं भी अपने कपड़े खरीदूंगी ना। तो इनके कपड़े 9-10 हजार के तो हैं ही, 5 हजार तक की तो मेरी भी 2 गर्म सूट बननी चाहिए, अब देखती हूँ कितने की बनाते हैं। और वेदू के कपड़े भी बहुत प्यारे हैं, 3 हजार का था वो ही दिखा था मुझे, उसका परफेक्ट प्राइस नहीं बता रहे कितने का था करके, मैंने 2999 उसमें टैग लगा हुआ देखा था, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इतना महंगा है, और वो है इतना हैवी सा ना, मतलब एकदम भारी भारी सा होगा, वेदू को कोई पकड़ेगा ना उसके बाद तो भयंकर ही लगेगी वेदू उनको। और ये सब चीजें लेके आए थे, मेरे लिए तो कुछ लेके नहीं आए थे, मैंने बोला था मेरे लिए सूट लेके आना करके गर्म वाली, कलर अच्छा नहीं लगा बोल रहे हमें, भैया को भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा बल, तो अब मैं जब मैं मायके जाऊंगी तो तब मैं वहां से लूंगी। और अभी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आपको मिलेंगे कल के नामकरण वाले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जब हमारे घर आओगे ना तब भी बनाऊंगी, हाँ फिर यम्मी यम्मी यम्मी, अरे यम्मी हुए हैं।